हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं पोर्ट्रोनिक्स की तरफ से आने वाले वायरलेस माउस के बारे में। ये बहुत ही लाइट वेट है और कह सकते हैं कि ये सब में कंपैटिबिलिटी कोई इशू नहीं देगा। यहाँ पे आपको मिल जाता है विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, विंडोज़ 7, हालांकि विंडोज़ 7 तो अब ऑलमोस्ट बंद होने वाली है, विंडोज़ XP तो बंद हो चुकी है, मैक और लिनक्स पे भी ईजीली वर्क कर जाता है। और एक बेटर ऑप्शन है कि आप इसको किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं, मैं उसका भी डेमो इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। आज खोलते हैं एक बॉक्स कोई भी। बॉक्स काफ़ी अच्छी तरह से पैक होके आया हुआ है और हम निकाल लेते हैं पूरा के पूरा कंपार्टमेंट। और यहाँ पे हमें दिखता है इसका कनेक्टिंग USB डोंगल, एक छोटा सा वाइट कलर का डोंगल है, और उसके साथ मेन माउस। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बटन दिया हुआ है आपके लिए, ये है DPI स्विचर जो आपके माउस के मूवमेंट को अलग अलग स्टेशन पे सेट कर सकता है। और यह है 2.4G वायरलेस माउस, मॉडल नंबर आप देख सकते हैं TOAD 11, रेटिंग आपको दे रखी है, चाइना में बना हुआ है। और अगर आप चाहे तो उसको यहाँ पे QR कोड से स्कैन करके चेक भी कर सकते हैं कि हाँ ये जेन्युइन है या नहीं, और रजिस्टर भी कर सकते हैं प्रोडक्ट को। तो चलिए, यहाँ पे तो इतना ही बेसिक था, इसको हम साइड कर देते हैं अभी। और इसे यूज़ करने के लिए यहाँ पे एक AA साइज़ की सिंगल बैटरी लगती है और मेरे पास एक पड़ी हुई है, तो मैं अभी वो डाल देता हूँ। पैनासोनिक ने हमें कोई स्पॉन्सर नहीं किया, ओके। और यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है, तो हम इसको टॉगल कर देते हैं ऑन की साइड। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये ऑन हो गया है। और हमारा अगला काम रहेगा कि इस डोंगल को हमें जिस भी डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है उसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि अगर आपको एंड्रॉयड फ़ोन के साथ करना है तो आप क्या करोगे। ये रखा हमने यहाँ पे माउस, और ये रहा हमारे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन जैसे कि आप देख सकते हैं, और काफ़ी सारी नोटिफिकेशंस भी आई हुई हैं। तो अब इसके साथ कनेक्ट करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हमें चाहिए USB Type-C, क्योंकि इसमें USB Type-C है। इसकी जगह अगर माइक्रो USB कनेक्टर हो आपके पास तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, Type-C to OTG। और जैसे कि ये रहा हमारे पास Type-C, और इस तरफ से USB वाला OTG। तो चलिए पहले इसको इसके अंदर कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरह, काफ़ी अच्छी फिटिंग है और हमें बस इसको इसके अंदर फिट करना है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ मैजिक। ये रहा फ़ोन, कनेक्ट हुआ है, और ये रहा माउस। मैं इससे सब कुछ कर सकता हूँ, जैसे ऊपर से अगर नोटिफिकेशन मुझे ड्रॉप करनी हो तो ये रही मुझे, अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे स्क्रीन भी स्क्रॉलिंग में जा रही है, अपडेट्स वगैरह भी है। मैं स्वाइप करके इनको हटा भी सकता हूँ ऐसे। टच रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ी मुझे इश्यू हो सकती है, बट डोंट वरी, टच रिस्पॉन्स इसका बहुत अच्छा है। और अगर आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं, जैसे कि मैंने कैमरा ऑन कर दिया और मैं फ्रंट कैमरे पे स्विच कर सकता हूँ, ये रहा मैं, और आप क्लिक भी कर सकते हैं। आपके लिए एक तरह से रिमोट शटर बटन भी हो सकता है, जैसे मैं अभी यहाँ से दूर से ही इजीली क्लिक कर सकता हूँ। और ये रही फ़ोटो, आप देख सकते हैं काफ़ी हैंडी चीज़ है और आपको बहुत इजी हो जाता है अगर आप फ़ोन में पूरा टाइम लगते हैं और आप चाहते हो कि हाँ कहीं मुझे माउस या फिर कीबोर्ड वगैरह कुछ मिल जाए ताकि मैं इसके साथ कनेक्ट कर सकूं। तो ये तो था एंड्रॉयड के साथ कनेक्शन। अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि अगर आप नॉर्मली किसी भी
नॉर्मली किसी भी लैपटॉप के साथ या फिर डेस्कटॉप के साथ इसको कनेक्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? तो चलिए पहले चलते हैं लैपटॉप की तरफ, वहाँ रखा हुआ है। ऑलराइट, तो हम आ गए हैं अपने लैपटॉप पे और अब हम कनेक्ट करेंगे इसको हमारे वायरलेस ब्लूटूथ के साथ। चलिए देखते हैं। ये हमने डाल दिया हमारे यूएसबी पोर्ट में और जैसे कि आप उस तरफ देख सकते होंगे कि कंफर्मेशन आ जाएगा कि हाँ कुछ सर्च हुआ। और जैसे ही कंफर्मेशन मिले अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो आराम से, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ हमारी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा मेरा माउस और आप चेक कर सकते हो कि हाँ यही चीज़ है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी। और इसमें ये बीच में जो DPI स्विचर का बटन है ये काम करता है इसकी स्पीड को एक्सेस करने के लिए। जैसे मैं यहाँ से YouTube पे चला जाता हूँ क्लिक करके, तो हाँ जैसे कि आप देख सकते हो कि माउस इसके साथ भी बहुत ईजिली कनेक्ट हो गया। तो इसी तरह से आप ईजिली कनेक्ट करके इस माउस को यूज़ कर सकते हैं और ये माउस भी हमारे शॉप पे अवेलेबल है। आप चाहें तो और भी डिवाइसेज हैं हमारे पास जो आगे जाके और IS अनबॉक्सिंग आएंगी, तो उन सब की वीडियोज़ के लिए भी बने रहिए हमारे चैनल में। तब तक के लिए बाय बाय।